महान भारत के अंदर महान भारत को दो हिस्सों में बांट दिया गया। किस नाम में बांटा गया था? धर्म के नाम में बांटा गया था। एक धर्म के लोग यहाँ रहेंगे, एक धर्म के लोग वहां रहेंगे। लेकिन पूरी दुनिया के इतिहास में ये बन गया, इंदिरा गांधी ने साबित किया कि धर्म नाम की कोई चीज नहीं है। असल क्या चीज है? समान। क्या है? समान। समान के नाम पे पाकिस्तान बना हुआ, धर्म के नाम पे दो से बढ़ गया, एक पाकिस्तान बन गया, एक बन गया बांग्लादेश। बांग्लादेश की भाषा रही बंगला और वहां की भाषा रही उर्दू। ये आयरन लेडी आज कहा जाता है कि पाकिस्तान को कितना कमजोर करने वाली लेडी का नाम है इंदिरा गांधी। और अक्टूबर 21 अक्टूबर 1984 में मारी गई थी, शहीद हुई थी। मैं उस वक्त शाने मिलत अखबार में काम करता था, लिखता पढ़ता था, डायरेक्ट रिपोर्टर था। और शाम के वक्त जब खबर 11 बजे आई तो हम लोग अपने ढंग से खबर लेने के बाद जब उसको घोषित कर दिया कि उसको तो बड़ा मुश्किल हुआ। कहा क्या कैसे आपने लिख दिया? उसकी घोषणा जो मृत्यु की खबर आई थी बाद में खड़ा हुआ था। प्रिय बच्चों, जाना चाहता हूँ ये इंदिरा गांधी का आप सबों के चिंतक मैं चाहता हूँ इंचार्ज मीडिया साहब से 2 मिनट के लिए उठाव करवाने के लिए। मॉडल स्कूल प्रिंसिपल मैडम राजदा जी, मैनेजर खान अहमद जावेद साहब, बस्ती इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब सोहब खान, हमारे यहाँ सम्मानित टीचर अनिल राय जी, संचालक में अहम भूमिका अदा करने वाले नाजिब बाबू, आरा जावेद और हमारे प्यारे बच्चों बच्चे। जावेद भाई किसी भी मौके पर कहीं भी खड़ा कर देते हैं, न टॉपिक देते हैं न कुछ करते बोलते। तो हम लोग चुप बोलने वाले हैं, कुछ न कुछ बोल जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है इस प्रदेश में नहीं देश में चर्चित 3 बार के पूर्व मुख्यमंत्री, 1 बार के बता दिया इलाहाबाद में जंगली और दिल्ली में ही मारी गई जहां उनका शासन चलता था और उन्हीं के अंगरक्षकों ने उनको गोली मारी। धार्मिक उन्माद में 100 मंदिर में आतंकवादी बसा करते थे, वहां से आतंकवादी गतिविधियां चलती थी। परंपरा के अनुसार उनके जो भी महंत या महात्मा साधु जो भी कह लीजिए या क्या कहेंगे, जय ताबरी जो वाहेगुरु, उनसे उन्होंने मशवरा नहीं किया न परमिशन लिया और 100 मंदिर पे ब्लू ऑपरेशन कर दिया। लेकिन एक काम तो किया उन्होंने अपनी शहादत देकर कि आतंकवाद को पंजाब से निकाल, उस ब्लू ऑपरेशन का ही देख, और उसी लिए उनको आयरन लेडी का खिताब दिया गया। वो देश की प्रथम महिला और तीसरी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी तीसरी प्राइम मिनिस्टर थी। काफी दिनों तक उन्होंने मुल्क को चलाया और अच्छे तरीके से चलाया। उन्हीं के शासनकाल में परमाणु बम बना, परीक्षण पहली बार उन्हीं के शासनकाल में हुआ। बहुत सारी अनगिनत उपलब्धियां हैं इंदिरा गांधी की, बताने के लिए बड़ा लंबा वक्त रहेगा। लेकिन एक अच्छा अच्छी वक्ता, एक फैसला कुन लेडी, फैसला लेने की क्षमता रखने वाली प्रधानमंत्री, हम सब के बीच बड़े दुखद अर्थ थे। उन्हीं के अंगरक्षकों ने उन्हें 1984 में 30 अक्टूबर को भूल दिया। हम लोग बनारस में थे, दंगे का माहौल बना लगा कि सिखों को इस देश से मिटा दिया जाए। एनओसी में जो संभ्रांत लोग थे, समझदार लोग थे, सिखों को बचाने का भी काम किया। इसलिए कि घटना को एक करता है तो उसकी सजा पूरे कौम को, पूरे धर्म जाति को नहीं देनी। हम सब एक साथ रहते हैं, कल भी एक साथ रहेंगे, प्रेम सद्भावना बना रहे और उस महान लेडी को याद करते हुए तो उनका अनुसरण भी करना। और अब होते हुए आज तक उतना कामयाब प्राइम मिनिस्टर इस देश में हुआ न मुझे लगता है। उन्हीं के लड़के राजीव गांधी भी सफल है, कुछ गलतियां सबसे होती है, उनसे भी होती होगी।
राजीव गांधी, इन्हीं सब बातों के साथ फिर से आप सबको, प्रिंसिपल राजदा मैडम को, प्रबंधक खान अहमद जावेद को, खुशी मेहमान प्रिंसिपल मस्ती को, मास्टर नरेश राय जी को, यहाँ के स्टाफ को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप इस तरह के फंक्शन आयोजित करते हैं और आप सब ने हम लोगों को बुलाया तो सब कहने